स्वच्छता में नंबर वन आने के बाद अब इंदौर शहर रक्तदान के मामले में भी पहचाना जाएगा, क्योंकि मानवता की पहचान और MIC ऑर्गेनाइजेशन इंडिया ने शहर के गांधी हॉल में महारक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान कर महादान का संदेश दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सांसद शंकर लालवानी, विधायक आकाश विजयवर्गीय, MP न्यूज के एडिटर इन चीफ महेंद्र सिंह सोनगिरा और स्टेट प्रेस क्लब के अध्यक्ष प्रवीण खारीवाल शामिल हुए। इंदौर के नाम एक और उपलब्धि, रक्तदान में भी नंबर वन होगा इंदौर। थैलेसीमिया डे पर महारक्तदान शिविर आयोजित, सांसद शंकर लालवानी ने की कार्यक्रम में शिरकत। MP न्यूज के एडिटर इन चीफ महेंद्र सिंह सोनगिरा भी हुए शामिल। स्टेट प्रेस क्लब के अध्यक्ष प्रवीण खारीवाल ने किया संबोधित। इंदौर में आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में संस्था मानवता की पहचान और MIC ऑर्गेनाइजेशन इंडिया ने वर्ल्ड थैलेसीमिया डे के मौके पर गांधी हॉल में महारक्तदान शिविर का आयोजन किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया, तो वहीं कार्यक्रम में शामिल स्टेट प्रेस क्लब के अध्यक्ष प्रवीण खारीवाल ने अपने संबोधन में कहा कि रक्तदान एक पुण्य का काम है, जिसका इतिहास इस कार्यक्रम के जरिए इंदौर में लिखा जाएगा। थैलेसीमिया बीमारी की भयावहता को लेकर उन्होंने कहा कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, ऐसे में यह महारक्तदान शिविर मील का पत्थर साबित होगा। अपने आप परिलक्षित हो रहा है कि मानवता की पहचान आज इस समाज में जो सबसे बड़ा पुण्य का कारण है तो वह है रक्तदान। और मुझे खुशी है कि आज इस संस्थान ने इंदौर में इतने बड़े पैमाने पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। वो भी शहर की जो ऐतिहासिक धरोहर है गांधी हाल, उसमें आज ये पुण्य का काम हो रहा है। और मैंने अपने जीवन काल में इतना बड़ा और इतना व्यवस्थित रक्तदान शिविर कभी नहीं देखा है। मैं आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने एक जबरदस्त और ऐतिहासिक काम किया है। और मुझे ये देखकर भी खुशी हो रही है कि विशेषकर युवा लोग इस पुण्य कार्य में हिस्सा ले रहे हैं। सेना के जवान हों, स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट हों, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हों, नगर निगम के लोग हों, सभी लोग समूह बना के आ रहे हैं और इस प्रतीक कार्य के लिए अपना आउटपुट दे रहे हैं। थैलेसीमिया जैसी बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं दुनिया में, उसके लिए बड़ी संख्या में रक्त की जरूरत पड़ती है। और मैं समझता हूँ कि ये रक्तदान शिविर आज इंदौर में निर्धारण बनाएगा, क्योंकि जिस तरह से उत्साह भी देखने को मिल रहा है। आमतौर पर रक्तदान शिविर में 150-200 रक्त मिलता है, लेकिन यहाँ मुझे लग रहा है कि ये आंकड़ा 4 अंकों में जाएगा। एक बार फिर से पूरी संस्था को, मानवता की पहचान जो एनजीओ है, उसकी पूरी टीम को बधाई। इस कार्यक्रम में शामिल कलाकारों ने मिमिक्री गायन प्रस्तुत करने के साथ साथ BSF जवानों ने रक्तदान कर लोगों का हौसला बढ़ाया। इस मौके पर नवनीत शुक्ला, कमल कस्तूरी, विवान राजपूत भी मौजूद रहे। वहीं इस कार्यक्रम का मीडिया पार्टनर MP न्यूज रहा। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज इंदौर।